हिंदी में रवांगे बेटा, और मूर्ति पूजा देख हमें सिर झुकामा को नीचे मारी नाड़ तार दो चाहे हमने मार दो। हाँ ये बोलांगा कि धर्म परिवर्तन नहीं करया नहीं करया नहीं करया, ये बोलांगा हमी। ना भाइयों की बाण कोई भी ना रही हो इस देश में संसार में पूरी। जो हमने बाइबल पढ़ी उसके बाद हमने जो बुराई थी ना हमारे अंदर में, तो हमने बाइबल के द्वारा हमने बुराई छोड़ी है। उसे बात पर हाँ जी, हम तो यीशु ने मानना है और यीशु ने मानांगे। हम ना तो मूर्ति पूजन का खावांगे और ना ही मूर्ति पूजन का आगे झुकाएंगे। विरोध करना था तो उन्हें पहले करना था, जो आया ये दीदे करना था, ये भी इस बात का कदम क्यों उठाया, और उठाया था तो इस कदम ने फैसला करके वो करो। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों, सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो मैं जिला भिवाणी के तहसील तोसाम के गांव सिढाण के अंदर मौजूद हूं। और लगातार आप एक मामला देखने आ रहे सिढाण गाँव में, तकरीबन पिछले हफ्ता 10 दिन तक एक मामला चलाना रहा भाई धर्म परिवर्तन का। गाँव का, समाज का, पंचायत का यो कहना था, मेरे से बुलाया गया था, मेरे चैनल को बुलाया गया था कि चैनल के ऊपर कही थी भाई 5-7 घराने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म के अंदर ये आगे हैं। तो बलजीत भाई की और जो है भाई राजेश भाई की बात आपने ही सुनाई थी, लेकिन जो लेडीज़ हैं जिनका भाई, दोनों भाइयाँ नुकई भाई मेरे घराड़े में, और जो है भाई एक भाई कह रहा था कि माँ में दिक्कत थी, वह परेशान थी, तो उनके लिए जो हम इलाज खातर गए थे और उनका इलाज होया है, उनका आराम होया है, तो के दिक्कत थी और के आराम होया वह सारी बात जानेंगे। और जो मेरी मातृशक्ति बैठी है इन तो बात करेंगे भाई इनका क्या कहना है और पंचायत का फैसला के रहेगा और ये के मानना है, ये अपनी बात पर अटल हैं या समाज की तरफ झुकेंगे या उसी बात के ऊपर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम, थोड़ा तेज बोलो, शुभ नाम। मेरा नाम पिंकी है। हम और गांव वाले भी हमारे साथ हैं और दानक समाज भी हमारे साथ हैं और गाँव वाले ने कोई विरोध नहीं किया है और हम ये सुन मानना है और हम दुखी थे, परेशान थे, दीदा हम यीशु में आए थे और नहीं हमने कोई चाह नहीं था यीशु मान का। क्या दिक्कत परेशानी थी? हमारा ऊपरी पराई आ रही थी। आपके अंदर थी? मेरे सासू में। अच्छा, आपकी सासू में। हाँ। कितना टाइम हो गया था ऊपरी पराई? उसमें लगभग हो गए थे 15 साल। 15 साल हो गए थे। हाँ। और आपने फिर कोई इलाज वगैरह करवाया होगा? हाँ, ना आंडने थे ना सैन सेवड़ा पर सारा आंड लिए। अच्छा। हाँ, और 15 लाख हमने रुपये ला दिए, हमारा कोई भी आराम नहीं आया। 15 लाख रुपये आपने खर्च दी? हाँ। और गांव वाले नु कह रहे हैं कि धर्म पलटे हैं, हम धर्म नहीं पलटा, हमारा जीवन पलटा है। तो यह शिक्षा किसने दी कर्त बेरा पटा कि भाई ईसु मास तराखण तो ठीक हो जाऊंगा? मारे मेरी नंद ब्याह रखी लुदास गाँव और उसकी छोरी ब्याह रखी डंडूल। अच्छा। और उसने ले रखा नाम यो और उसके पास गई थी मेरी सासू। अच्छा। उसने नूली, मेरी सासू ने नूली कि तू नानी एक बार नाम लेके देख ले कि बरा तू ठीक हो जा, तो मेरी सासू ने दिया ही नाम और दिद पाछे मारा आराम हो गया। तो शुरू में आपने मतलब नू सुनी कि भाई नाम लेना पड़ेगा भाई सुन मानना, तो आपने ऐतराज करे, आप शुरू में सहमत हो गई थी? शुरू में तो मैंने ऐतराज करया, हम कौन मानना है सुने, तू ले ले, फिर मारम दिक्कत परेशानी होने लगी ना, दीदा हमने भी ले लिया। अच्छा, आप में भी दिक्कत परेशानी? हाँ। अच्छा। आप पे कुआड़ खुलने, आप पे बर्तना का वो टोकर आप पे उठना। अच्छा। और फिर हमने दुखी परेशान थे मारे बटे वन बुला बुला की अमी सोया कर दे और दिन की भूख और रात की नींद हमारी चली गई थी। अच्छा। हम इतने दुखी परेशान हो गए थे, हमारा कोई पड़ोसी नहीं आए करदा कि भाई इनका यह चीज़ है तो तार ना लग जा। अच्छा। डर था मतलब? डर था। हाँ। और इसलिए हमने, हमारा प्रभु ने हमारा जीवन पलटा, हमने धर्म नहीं पलटा और धर्म पलटने के कारण तो हम भी नाराज सा और ने भी हमें धर्म पलटवा दे को नहीं। मतलब कि के चेंज करे आपने, आप लोगों को भाई मन परिवर्तन कर दे, के छोड़ दिया? हमने चुगली चोरी निंदा झूठी सारी चुगली चगली सारी छोड़ दी हमने। करया करते पहले खूब करया कर दे, अनजाति भी करा सा। अच्छा। करे हैं इब कौन कर दे, दारू भी पीऊँ है, नशा भी, वो बीड़ी भी पीऊँ है, झूठ भी बोल रहे हैं, एक दूसरे की अड़े तेड़े भी लगाऊँ, वो हम नहीं लगा दे। अच्छा। हाँ। तो यह बात देखो आप लोगों को भाई इस होना माननीय झूठ नहीं बोलता। हाँ। तो यह बात कड़त उठी है समाज में, कड़त आ गई गांव में या बुर कड़त फैल गई कि भाई नुनु धर्म परिवर्तन कर लिया? यह भी किसी ने ठाई है, कोई घर में तय होगा जी ठाणिया भी कोई विरोधी मारे। तो यह सिर्फ आप नु मानो कि भाई सिर्फ बहस के कारण यह चीज करी गई? भैया के कारण करी गई है और खंदे पींदे सुहाए को नहीं जी। आपने कितना टाइम हो गया मतलब नाम ली यीशु मसीह? 3 साल। और 3 साल होगी छत्थी लाग गई। 3 साल हो लिए। हाँ।
तो विरोध करना था तो पहले करना था, जो आया है दीदे करना था, ये भी इस बात का कदम क्यों उठाया, और उठाया था तो इस कदम ने फैसला करके वो करो। 15-20 दिन पहले उठी है बात, तो 3 साल मतलब कि आपका आस पड़ोस में बेरा कौन था कि बाप ने नुनू कर सब ने बेरा है जी सब ने बेरा है ना, हम किसी ने दिक्कत जबरदस्ती ले आंदे, जो कोई दुखी होगा ना जी वो आप ही आओगा आपका दुख का खतर, हम किसी का दबावा नहीं डाल सकते। तो फिर यह बात सच्चाई भाई, आपके गांव के 5-7 घर मतलब नायक समाज था और दानक समाज था, मतलब इसु न मानने। हाँ सच्चाई है। फिर शुरुआत तो बलजीत भाई थे, मतलब आपका परिवार। हाँ तो हम ही ठीक हो गए तो ये भी न होते बुझ लिया ठीक हो जावा के, फिर इनका भी जीवन पलट गया। अच्छा, आपके गाँव वाले नुकई भाई रात न लुगाई हंडे हैं तो टूने टोटके करें इस ताली कोई बात से, तो 12 बजे जाके लुगाई जो जो यीशु ने मानने ना जी, या तो सरासर झूठ सा, हम टूने टपोने कर दे नहीं दीदी, मार के काम टूने टपोने। तो यह बात फिर समाज ने उस दिन भी नुकई थी पंचायत आपके गाँव की थी। हाँ। 4 दिन का टाइम दे रहा था भाई, 4 दिन में अपना फैसला तो फैसला कोई बताया ही नहीं जी, और ना ही हमने टाइम दिया। नहीं अब 4 दिन हो ली हूँ बता ने जी, कल हो लिए तो फिर पंचायत दोबारा होगी, तो फिर आप किस विषय में जाओगे कि भाई हमने चेंज कराया है या नहीं कराया है, या आज भी हम उसी बात पर उसी बात पर। हाँ जी हम तो यीशु ने मानना है और यीशु ने मानेंगे, हम ना ही तो मूर्ति पूजन का खावांगे और ना ही मूर्ति पूजन का आगे झुकाएंगे। मतलब कि आपके सिर्फ दिक्कत है भाई जो प्रसाद हो उसकी। हाँ भाई मतलब कोई भंडारा में। हाँ। कोई सत्संग में मतलब। हाँ। वो कौन खास काम है? किसी का ब्याह शादी में या शादी में खावांगे काज वगैरह हो। हाँ खावांगे सुबह भी। अच्छा। हाँ मतलब सिर्फ भाई भगवान का नाम का जो प्रसाद है जो आपने मखाने बैठ दिया अभी उसकी आठ से जी। हाँ। बाकी आपका मंदिर में जान में या मंदिर में जास का। हाँ फिर सिर नहीं झुकावांगे। अच्छा। हाँ जिस तरह काल आपका गांव में जागरण था। हाँ कोई नहीं गए जी हम। अच्छा उसमें दिक्कत वो मतलब ऐतराज है। हाँ मतलब मेन बात यह भाई सिर कौन झुकाना, सिर्फ यीशु मसीह खाना जी, और हमें खाना भी को नहीं, और मारा कोई आन का दस है नहीं, हमें कदम भी खावा हाँ, ब्याह हम भी खावा हाँ, बन्ना में भी खावा हाँ, ये नुको है ना थालिया पे कौन बैठे। हाँ। हम सब चीज करा हाँ, एक मूर्ति पूजन का कौन खाना हमने। अच्छा मतलब जो है ना सर सिर्फ मतलब यीशु मसीह का आगे झुकाना है। यीशु मसीह का भी आगे कौन झुकावा हमने ना, हमें मूर्ति पूजन की फट्टू न मान दे। अच्छा हमारा सिर्फ जीवन जीवन पलटा है। अच्छा और हम हिंदू हर हिंदू ही रहेंगे। अच्छा मतलब मन में आपने नू मान ली सिर्फ। हाँ। कि भाई जो परम पिता परमेश्वर है। हाँ। वो यीशु मसीह। हाँ अच्छा नमस्कार। नमस्कार शुभ नाम थोड़ा तेज सोनिया। तो आपके जिस तरह भाई ने बताई आपका दिक्कत परेशानी। हाँ दिक्कत परेशानी थी। किस प्रकार की दिक्कत परेशानी थी? कि मेरे जो मैं रात ने सोया कर दी ने उस वक्त ने बुरे बुरे सपने आया कर दी। अच्छा। और मेरे के लिए इतनी गंदी गंदी हरकत होया कर दी कि मैं बता कौन सकूं। मेरी गहराई बात ये मैं किसी का आगे शेयर कौन कर सकूं। इतनी गंदे सपने आया कर दे जो मैं बता कौन सकूं। गंदे सपने आने के बाद सवेरे उठा कर दी ने तो मैंने इस तरह महसूस होया कर दे जिस तरह की मैं टूट गई। अच्छा, शरीर टूट जाना। हाँ शरीर टूट जा इस तरह होगी बीमार की तरह मैं उठा कर दी। तो मेरा जो बालक है ना वह बेचारा स्कूल में जाता तो उसका बाद वह रोटी मांगता तो मैं किस तरह उन्हें रोटी बना के दूं कि मैं इतनी बीमार हो जाती मेरी कोई हालत कौन रहा कर दी। तो कितने साल हो गए आपके साथ ये दिक्कत? मेरे साथ होगी ये कम से कम भी 7-8 साल होगी। 7-8 साल यह दिक्कत रही है? हाँ 7-8 साल दिक्कत रही है। और उसका बाद फिर कि मेरे ये लिए घटना घट दी गई और उसके बाद मेरा इसी हालत होगी कि मरण ताई का दावा हो गया मेरा। मतलब इतने ज़्यादा शरीर टूट गया। हाँ इतनी कमज़ोर होगी बार बार मेरे टाइफाइड निकलना बीमारी इतनी होगी थी कि मैं मेरी जीण ताएगी आस कौन थी। तो इसकी जो है मतलब इलाज वगैरह कौन सोचा अपने भाई? वगैरह बहुत सोचा छाने छेवड़ा का भी गया बहुत गणा गया मैं। अच्छा। और दवाई भी ली डॉक्टर नहीं छोड़ा एक छाना नहीं छोड़ा मैंने। अच्छा हाँ मतलब आप हर जगह गए हो? एक जगह गया मैं जिसने भी हमने बताया भाई उड़े छाना से फलाना उड़े भी गया मैं जड़ा डॉक्टर बताया उड़े भी गया मैं भाई ये दिक्कत छाना तो नहीं डॉक्टर तो ठीक हो जा फिर ये मारे दिक्कत बढ़ती गई और उसके बाद फिर मारी इसी वह होगी दिक्कत परेशानी जो हम काम कराया कर दे तो वह काम जितना भी हम कमाया कर दे वो डॉक्टर ने यह छाना दे दिया मैं। मतलब घर में बचत कौन थी? बरकत कुछ भी कौन आया कर दी और ना ही मारा वह पीसा बचिया करता हमें बीमारियां पर लगाई जाता
और छाणा दी जाता। मेरा बालका ने घी को नहीं खवाया मीने, उन्हें छाणा दिया मीने, मारी इतना जी दुखी पाया करता कि अमी ने उन घी का पीपा उन दिखाया करता भाई ले आड़ चढ़ाओ था मी, मारा बालका ने खुआ के कौन देखा मीने। इतनी मामी ने परिस्थिति थी, मैं ये दुख उठाया सी बहुत ज्यादा। इस तो बड़ी गवाही के देश का मी। अच्छा भाई कह रहे थे कि भाई कुछ आना से बड़ा बताओ थे भाई, इसी बात कह दी जो मतलब कि समाज के साथ ये हुई थी कि बता कौन इसका, क्यों हम विरोध जा सका उसके, हम विरोध किसी का जा कौन सका। अच्छा। हाँ ये विरोध करना ही गलत है कि किसी का नाम उछालना गलत है। नहीं आपने गलत बोला था कि उछाना से बड़ा जो था। हाँ ये गलत बोल गया था उसने, गलत बोलिया था मैंने कि ये जो मेरे दिक्कत परेशानी थी ना, जो मेरे दिक्कत परेशानी थी ना कि मेरे ये दिक्कत बोली थी कि तेरा जिंद की दिक्कत से। अच्छा। हाँ दो जिंद से वह तेरा इलाज नहीं होने देगा, कड़े चल जिए तू। अच्छा आपके अंदर दो जिंद बताए। हाँ बताए थे, और फिर उसका बाद मेरे ये होगी थी कि मैं मर जाऊं तो ठीक सू, मर जाना था कि वाह होगी थी मेरे। उसने ये दिक्कत बताई थी कि गलत काम करना था तेरे ये दिक्कत है जागी, मैंने ये बोला था। जो मैं गलत काम उसके गली करूंगी उसके शरीर की बांस मेरे शरीर में हो जाएगी तो वह जिंदे छोड़ के चला जाऊंगा, ये गलत बात है। मैंने मेरे घर वाले विश्वासघात कौन करना था, मैंने मेरा घर वाला मैंने छोड़ के गया था विश्वास का कारण छोड़ के गया था, और मैं ये गलत काम किस तरह कर सकूं बता। मतलब आपका पतिव्रता धर्म जो है ना वो छोड़ना पड़ा रहा। हाँ हाँ पतिव्रता धर्म मैंने निभाया है और निभाती रहूंगी, मेरा पति के खिलाफ मैं एक भी शब्द सुनना कौन चाहूँ किसी का भी। अच्छा जिस तरह नू माना जाए कि भाई जो अपने धर्मगुरु मान लो भाई राधा स्वामी या फिर आसाराम राम रहीम, ये जो है ना भाई जिस तरह शादीशुदा महिला हो तो उसके गल में मंगलसूत्र वगैरह छुड़वा दे हैं भाई ना पहनना, तो उस तरह भी कोई है ना कोई सिस्टम को नहीं, हम श्रृंगार भी कर सका हाँ, मंगलसूत्र भी पहन सका हाँ, इसी कोई भी बात नहीं जो हमें ना बदलनी पड़े। अच्छा। हाँ प्रभु माने के बाद में सब चीजें हमें वह करा हाँ जो पहली थी। अच्छा मतलब सिर्फ इतना है कि भाई मंदिर में जोत बत्ती कौन करे। हाँ मंदिर में नहीं, हम सर कौन झुका इसका। अच्छा। क्योंकि हम परमेश्वर न माना हाँ, और परमेश्वर ने सृष्टि रची है, सिर्फ हम उन्हें उसने माना हाँ। हमारे अपने पापों के लिए मारा गया था, पहले नुकन दे बकरे चढ़ा दो मींडे चढ़ा दो, वो अपने अपने खतर जान दी थी उसने संसार के लिए। अच्छा। हाँ बाप मारे गया था, ये भी इनको है ना दूसरा धर्म है, दूसरा धर्म नहीं है यो। यीशु मसीह तब इतना विरोध करया जा रहा है कि हमारे लिए तो मारा गया था, गाड़िया गया था हमारे लिए तो उसने मारा गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, लोग क्या उसने मार दिया, वो खुद ने कौन बचा क्या, ये कोई बात है, ये कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे लिए तो मारा गया था, हमने हमारे पापा खातिर मारा गया था। एक चीज बताओ आप, यीशु मसीह ने मां का पेट से जन्म लिया था। हाँ कुंवारी लड़की थी मरियम, और उसके पेट से जन्म लिया था, कोई उसका जिस तरह की वो शादीशुदा नहीं थी और वो कुंवारी थी, मतलब कि माँ का पेट में 9 महीने रहा। हाँ पवित्र था, और बिना जिस तरह की लुगाई मर्द का जो संबंध होता है ना वो नहीं था। तो भगवान रामचंद्र जो हैं, श्री राम जो हैं, वह भी माँ का पेट से जन्म लिया था। देखो जी हमने उनका नहीं पता, मैं इतनी वो कौन, सिर्फ मैं यीशु मसीह के बारे में जानती हूँ, और ये मैं नहीं, तो मैं नू कहना चाहूँ सीधा सवाल पूछ लो कि भाई वह भी तो धरती पाए थे मानस कर, मानस के रूप में जन्म लिया था। हाँ उन्हें भी इंसान के रूप में जन्म लिया था। तो फिर वह भगवान किस तरह उन्होंने लोग नू मानने लगे भाई भगवान है, ये जिस तरह की मूर्ति पूजा है ये भाई उसका हिसाब है, मामने कौन भी रहा इसमें क्यों मानने लग गया, कि जिस तरह हम ही मानना हाँ परमेश्वर ने हमने न्यू मानना हाँ कि हमारे साथ जो परमेश्वर ने वाचा की थी अपना लहू बहा के कि मैं हमें बचाऊंगा, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर ने भेजा था इस पृथ्वी पर कि जा लोगान बचा, मारे लिए आया था पृथ्वी पर। तो भगवान राम भी नू हिंदू धर्म में माना जाए कि भाई उन्होंने भी जन्म जो है ना पाप का विनाश करने खातर रावण ने मारने खातर जन्म लिया था। हाँ ये सब चीज है, सारी से सब चीजें हैं आपकी जगह। तो ये मतलब कि ना आपका उड़न पहन की दिक्कत है, और जो परेशानी थी वो ठीक हो गया। हाँ मेरी परेशानी बिल्कुल ठीक है, और मैं जमा खुश हूँ प्रभु यीशु मसीह है, और बार बार मैं ये बोलूंगी मैं प्रभु ने कौन छोड़ू चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, और मैं बार बार ये बोलूंगी मेरी आखिरी सांस तक है नहीं प्रभु ने ये अनुमति नहीं मैं छोड़ दूंगी, कदे भी मैं ये बोलूंगी कौन नहीं, चाहे मेरी गर्दन भी कट जाए तो भी मैं नहीं बोलूंगी छोड़ दिया प्रभु ने, आखिरी सांस तक मेरा यो रहेगा कि मैं प्रभु ने कौन छोड़ू।
तो उस तो पहले यीशु मसीह तो पहले आप भगवान ने भी तो मानते होगे। हाँ मान्या कर दे, खूब मान्या कर दे, मेरा पति भी मान्या करता, मैं भी मान्या करती, बहुत मान्या करता। अम्मी मुद्दा पट पट दौक मारी थी, कुछ भी अम्मी ने नहीं, घर में कुछ भी नहीं बचाया, उन पर इतना अम्मी ने निछावर कर दिया सब कुछ। हमने हमारे घर में कुछ भी कौन करया, जो अम्मी दो क्या करता ने उन तो हमारे कोई बरकत ही नहीं हो, जो हमारा क्या फायदा फिर दोकन का। तो मतलब यीशु मसीह यह बात कहे कि भाई तामी अपने मतलब कि जो दिक्कत परेशानी हो गिनाओ मने। हाँ ये परमेश्वर नहीं कहता, परमेश्वर ये जिस तरह की हमने विश्वास करया, जिस तरह हमें ठीक होता गया और परमेश्वर पर हमारा विश्वास अटल रहा। ईब मतलब कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई हरी बीमारी आ जाए तो आप कहो भाई ये जरूर आऊंगी, इसी बात को नहीं, क्योंकि हमारा शरीर तो वो ही है, शरीर तो कौन बदलिया, हमें मन परिवर्तन करया है, शरीर तो हमारा वो है। ओके भाई मने यो कोठी दे दे एक छोरा नौकरी। आमी ना कोठी बंगला की जरूरत को नहीं, आमी ना नौकरी की जरूरत ना, या कोई पैसा धन दौलत की जरूरत ना, मारे खुशी इतनी इसी खुशी इसमें है कि हमें ठीक रहा शरीर ते, बस ये निरोगी काय चाहिए। हां आमी ने क्या चाहिए, जो पहले मारे द्वारा कौन थी ये दिख। हां मतलब स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए हमने, और वो हमने प्रभु यीशु मसीह से मिला है। हाँ मतलब और भाई जिस तरह अपना लोभ लालसा होया करे, बछोरा नौकरी लग जाए ना, ये हम कुछ भी कौन मांगा। अच्छा इस तरह ये संसारिक जीवन हमें ना कौन चाहिए। अच्छा। ये संसार की बात है। अच्छा मतलब माया में कौन पड़ो भाई। हाँ कुछ भी माया में हम यानी कोई भी इसी चीज कौन मांगा, जो भाई न सोचा भाई प्रभु तो ये मांग लिया गाड़ी बंगला मांग लिया, प्रभु ये थोड़ी है बिना कमाई दे देगा सब कुछ। काम तो आप जो हम काम करेंगे तो हमने मिलेगा। अच्छा नौकरे हैं भाई, निंदा चुगली छोड़नी पड़े है। हाँ ये छोड़नी पड़ा है, पहले करया करते हैं, पहली कर देंदा, जो कि हमने बेरा कौन था भाई, पहली डर भय भी कौन था, क्योंकि हम ही बोल दिया ना तो हमारा दिक्कत परेशानी आस गए है। तो यो डर बढ़ा गया मन में ना, डर किसी ने कौन बढ़ा, हम ही ने विश्वास का कारण है, विश्वास जिस तरह की हम विश्वास कर रहा परमेश्वर पे। तो कहने नो कई भी हो गए ना बहन जी आप, कि भाई आपने मतलब की निंदा चुगली कौन करनी, ये किसी ने भी नहीं बोलिया। मन में सुपनम सुते सुते मेरा पड़ गया, सुपनम भी नहीं, जिस तरह की अमीन है परमेश्वर की प्रार्थना करी और अमीन है भाई, जो अमीन बाइबल पढ़ी उसके बाद हमने जो बुराई थी ना हमारे अंदर में, तो अमीन है भाई बाइबल के द्वारा हमने बुराई छोड़ी है। अच्छा जो मतलब गलत काम थे। हाँ। जो गलत गुण थे वह सारे छोड़। हाँ, वह सारे छोड़े, बढ़िया जीवन जीने लगे, बढ़िया जीवन जीवा। हाँ उसका परेशानी दिक्कत किसी का भी सहन है तो वही जागी, मारे कोई दिक्कत परेशानी को नहीं। अमीन ना तो गांव वाला तो विरोध है और ना ही अमीन करना है, और उनके खिलाफ हमें कोई भी ऐसी आवाज ना उठावा जो उन्हें दुख होवे, क्योंकि आप पहले भी कह रहे थे भाई विरोध करना तो आपका उसमें है। हाँ विरोध करना गलत है, जो आज भी इस हालत में अमी परमेश्वर ने मानने के बाद में कि मारे एक थप्पड़ मार दे तो हमें दूसरा गाल भी आगे कर दे ले मार ले। अच्छा हाँ अमीशा मारना नहीं, मारा नहीं गया वो मार मार भी देगा तो। अच्छा हाँ। मतलब आप किसी के ऊपर हाथ उठाना है ये गलत है, किसी के ऊपर अत्याचार करना ये गलत है। अच्छा। हाँ किसी पर झूठा आरोप लाना ये भी गलत है, पाप है ये। अच्छा। जो बोलो सच्चाई बोलो। तो एक हिंदू धर्म में एक चीज सिखाई जाए जी कि अगर झूठ बोले तो किसी की जान बचती हो तो बोल देनी चाहिए। हाँ, ये बोल दो तो अगर किसी की फांसी टूटता हो अगर कोई तो उसमें एक शब्द से और वो बचता हो तो बचाओ उसने, उसने मरण ना दो। तो झूठ बोल जाएंगे तो फिर मारे पाप अंदर फिर आ जाएंगे, हम झूठ बोल ही नहीं सकते। देख किसी की जान जानती हो तो उड़ा तो इतनी तो यीशु मसीह भी गंदा होगा, वो उड़ा जो सच्चाई है वो सच्चाई है, बोल देनी चाहिए। झूठ बोल जाएंगे हाँ सच्चाई है बोलनी चाहिए, उसने सच्चाई ने दबाओ ना। अच्छा हाँ जो कुछ भी हो जान जाओ तो जान चली जाओ, झूठ तो बोलनी कोई नहीं, झूठ बोल दी फिर पापे हो गए फिर तो वो तो मतलब ना तो आपने पाप करना और ना किसी ने करने देना, ना करने देना, सीधी राह पे चलाओ। सही सीधा राह पे चलो। अच्छा आप इस गांव की लड़की हो, आप तो भी जो आपके समाज के लोग थे उस दिन पंचायत में कह रहे थे भाई हमी जो है ना बोरिया बिस्तर ठुआ देंगे। हाँ ठुआ देंगे। हाँ कहे थे फिर ये हमने कोई विरोध नहीं है भाई बनते का कहता हूँ मेरे सारे सब खुद से। अच्छा। सारे विरोध हम नहीं कर सकते हमने। अच्छा। वह हम नचावेंगे हम उन नचावेंगे तो ये भी हम तो बस यह उगाई थे हाँ भाई हमारा पिता ने हमारो जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। अच्छा आपका जीवन किस तरह बदले आपके लिए क्या दिक्कत परेशानी। मेरा दिक्कत थी 40 साल तक मैं जो मेरा मांस रोटी पोया कर दो मैं खाया कर दी रोटी पंत पंत खा जाती और खा के नर खाट को पचड़ जाती, मैंने कोई काम नहीं करना पड़ दो और रोया कर दी कुकाया कर दी खाटा के ऊपर आँधी तो मैंने घोटके ने
खाट को पड़ जाती मैं, कुछ काम नहीं कर पाया करती छोटे छोटे। मतलब दिक्कत परेशानी तो मेरे समझ में आई जी, की दिक्कत थी? दिक्कत ये आई गड़बड़ ओपरी वाली। अच्छा हाँ, फटपेड़ थी? हाँ फटपेड़ थी। तो चालीस साल तक थी या। तो फिर आपने जिस तरह वो कोई इलाज वगैरह डॉक्टर का नहीं किसी भांडे 14,000 रुपया 20,000 रुपया नहीं दे दे के न, और सब कुछ मानसा इतरिया तो मैं बीड़ी पिया कर दी बोल बोल के न, और बीड़ी पे बीड़ी रखा कर दी। हाँ खूब मैं भाई बीड़ी पीऊँगी, नशो करूँगी नहीं करूँगी, और मैंने ले लिया के दिया कर दर मैं धक्का ना लिया के देता तो मैंने कहा फिर लड़ाई करनी। जो भी कोई भी पड़ोसी पड़ोसी मैंने कि कह दें दो तो मैं उसने उल्टी जवाब दे दी भी मैं लड़ पड़िया कर दी उनको छेती। ई भी सुमिशी माए पास 3 साल होगी, मैंने कोई लड़ाई करना ना, कोई दंगा करना ना, कोई किसी मेरे बीमारी की देगी ना। अच्छा मैं काम करूँ हूँ, जो मैं भाई खेतों में भी करूँ हूँ, मेरे गाँव में भी जाऊँ हूँ, सारे काम करूँ हूँ मैं। आपने किस तरह बेरा पटाया भाई ये सुमसी में आस्था रखा तो ठीक हो जाए? मन बेरा पटाया जो मैं लाखन मादर ब्याह रखी हूँ, लाखन मादर मेरे छिक जवान बेटो गयो 17-18 साल को, फिर उड़ता आ गई मेरे काको लागा है, काको मैंने आड़ लिया आयो नोले बेटा तेरी जगह मैं तू बस जाइए अड़े माँ आड़ आ गई। आड़ आए पाछे फिर मेरा एक पोती थी वह पोती जंदी रही, पोती ने बिन्नो ए थो मरी ने जी मेरी एक लड़की बड्डी बड्डी थी मेरी वह चलती रही। उसका जाने बाद फिर मेरे आपने बिस्टाक आया बोल के नहीं बोली अग भई आज आखिरी बार तेरी बारी है। तो इस रात ने तो मेरी दिक्कत हो ही नहीं, सवेरे उठ दी साथ जो ये भाई बलजीत का सेती मेरा लड़का संजय है यो भाई उसमें पलटियाँ में जान लग गयो मेरी आँख नाड़नी की खींच दी तो पलटियाँ दर दर पिया ना जो ये पेल्टर पाल्टी हो के होया कर तारी ये इन मजा आया कर। अच्छा बहस आदि हाँ हाँ तो इसमें जात हो तो मेरी नाड़ खिंच गई आँख दी बगा जीभ काट दी। अच्छा। तो बहू मेरी रो के नर बाज के नन्नोली का मामा वीर सिंह ने बुला के लिया हूँ और भाई का न्यू बात से आख भाई मेरी माँ का क्यों हो गया तो उस नांदी साथ और आके फिर उड़े घर बैठे पाए मेरे लड़को ये संजय। तो संजय ने संजय बाज के नन्नोली का बलजीत और तो त्रिबुआ की निशान कहे थी न वाई बात भाई पूरी होगी। अच्छा। त्रिबुआ तो गई के जिन्नोले का चाल मैं बाज के माँ आऊँ हूँ तो बलजीत ने हमें फ़ोन करके ना अब मेरा लड़का ने बुलाया है बलजीत को इसमें कोई कसूर नहीं अगर भाई बलजीत भाई ने भाई ये धर्म पलटी करवा हुआ है ये अपने मर्जी आए हम जो मेरा फिर दुख था ना जिस पास है मैं दा मैं ठीक सूँ मैंने बिना बिना दो बिना एक आधा बटी टाइम आ गया थोड़ा आए पास है अगर रोटी मेरी जमा बंद हो गई थी। अच्छा। हाँ तो इस पड़ोसिया ने भी सबने बेरो है अगर यार रोटी पानी नहीं खाया कर दी कोई ने चाह की घूट दे दें कोई बना के ना कोई बाहर को पड़ोसी तो पी लें दी ना तो न्यू की नहीं पड़ी पन दी फिर। अच्छा। तो अच्छा इतना दुख हुए पास है ई मैं तो न्यू को हूँ ए पिता तो यह अरदास करांगा ये पिता परमेश्वर जिसका जो लड़की घर में है ना उसने लड़का दे हम तो यह कहूँगा को बिना भाइयों की बाण कोई भी ना रही हो इस देश में संसार में पूरी यीशु मसीह तो हम तो यह प्रार्थना करांगे ये पिता परमेश्वर सबको भाई जो लड़की है ना घर में उसने लड़का दे उसकी इज्जत हो बाण की। अबे सारे नेम धर्म पुगावे भाई सामण में कोथड़ लेके आ सारे गांव की प्रार्थना करा हां हे प्रभु सारे गांव ने ठीक राखियो हे परमेश्वर जो भी दुखी परेशान है हम संसार में जितने भी हमारे भाई बहन है दुखी परेशान है हम उनकी प्रार्थना करा हम प्रार्थना करते हैं 3 टाइम जब भी टाइम हमने लग गए तो हम प्रार्थना ये करा हे प्रभु जो इस संसार में तेरा बेटा बेटी दुखी है परेशान है उनकी रक्षा कर और मदद कर हम ये प्रार्थना करा लोग विरोध में के एक क्या करें कि जादू टोना करें लुगाई रात ने जा है ये गलत इल्जाम लगा हमारे ऊपर क्यों लगाया जाए इतना गलत इल्जाम हमने कौन बेरा इस बात का। अच्छा एक चीज और थी पंचायत में जय श्री राम में दिक्कत ये कोई दिक्कत कौन है हमारा जिस तरह की हमारा विरोध कराया जा रहा था ये कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं हमारा जिस तरह भाई मान लो कोई जिस तरह आप इस गाँव की लड़की हो तो कोई उनका भाई बुआ राम राम कहा राम राम कर्स का हाँ कोई आटको नहीं मारा है और कर रहे हैं ये जबरदस्ती बार बार है नी कि ऐसा कई लोग है जो हमने बार बार ये कहे हमने आगत ये बोले कि जय श्री राम तुम हमने चिड़ाया क्यों जा रहे हैं कि हम बोल दिया हाँ फिर भी मारे के लिए इतनी परेशानी दिक्कत मारे क्यों आवास है फिर भी बार बार हमने ये दिक्कत परेशानी हमने क्यों दी है गाँव वाला हमें इनका बाद विरोध को नहीं करना तो फिर कह दो उनको भाई हमें तो जय श्री राम का
अमी ये बात बात कह दी भाई, अमी राम भी बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, तो ये क्यों बार बार भाई ये नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, ये बोला हमी। मारा सब है नहीं, मारा गांव का सह ये सब अपना है, ये कोई दूसरा थोड़ी है जो इनके विरोध हमी जावा, क्योंकि गांव वाला ने सदा हमारा साथ दिया है और साथ देंदा रहेगा, इसी बात को नहीं, ये गलत को नहीं, आपकी जगह बिल्कुल ठीक से आप ठीक मानो, हाँ ठीक मानना, हाँ पूरे गांव को हम तो ठीक मानना, हाँ जमा सही, हमारे लिए कोई विरोध नहीं है भाई, आपके तो पंचायत हुई, कोई बात नहीं पंचायत हुई तो कोई बात नहीं, किसी को उठाए उठाए के ना अर्जी दी है, पंचायत हुई है तो दिक्कत को नहीं माना, जो पंचायत करी इन गांव वाला कोई कसूर को नहीं, इनको कोई कसूर नहीं है गांव वाला को, तो किसका है यो को किसी ने विरोधी ने कोई उठा दियो, कोई कोई बात नहीं, कोई एकाधो हो जाए करे, कोई राम राम बेटा। हाँ बेटा, मैं बहुत दिन तक दुखी परेशान थी, मैं मेरे पीर में भी दुखी थी, बहुत दुखी थी, मेरा जड़ ना मेरे माँ बाप ने बहुत लिहाज करवाया, नहा दो के मेरी माँ सुहाज दें दी, सुने बेरा कौन था, मैं मिठाई खान दी और नुहा दुआ के लिए बेटी तना खाना हो कि मैं खा, फिर मैं सासर आ गई सूँ तो मुगरा के पढ़ने लग गई सूँ, आप मैं ओपरी फटकार, ओपरी थी मेरी जवान भाभी मरी होड़ी थी जमा, और उसने मैं बहुत दुखी करी हूँ, मैं कितनी की गिनाओ बेटा, को मेरा क्रोध तो इतना है को अंदाज को नहीं, मैं बहुत दुखी थी, दो साल तो मैंने रोटी को नहीं खाई के देखी, दो साल दलिये दलिये में रही हूँ मैं जमा, हाँ दलिये दलिये में, तो मैं न्यू रोटी खाँदा नहीं तेरे वर्गा, मैं न्यू कर दी तू भी एक बुरकी खा ले, खाँदे भूख आया कर दी मैंने, और मैं इतनी दुखी थी, इतनी परेशानी थी, मेरी लाश रहा कर दी जम्मा लाश, मैं इतने हैंड लिए कोई ठिकाना कोई नहीं, सियाने ना मैं इतनी पिटी सो कोई अंदाज कोई नहीं, मुँह मेरे बाल दिए, मैं तो बहुत दुखी जान थी मेरी तो बेटा इतनी थी, फिर यो छोरा मेरी लाश होगी भीतर, मैंने न्यू कोई मेरा कड़े पड़ी सर कड़े नहीं, यो नहीं बोलिया द्योती ना अकबाया तो तेरी नानी मर गई, यो वह नहीं बोली नाना मामा को नहीं मरा तू ना रो, ना तो मर गई ये भी रोन लग गए, नहीं बोले को नहीं मरा नाना तू प्रभु का नाम ले लेगा और मूर्त पूजा छोड़नी पड़ेगी, बोले भाई हमें दुखी जान हो रहे हमें भाई नाम ले लेंगे कोई बात नहीं, मैं बेटा डंडूर गई थी डंडूर मेरी उसने प्रार्थना करी थी, ये हो रहे थे ये नहीं बोले माँ तो ले ले नाम, किसने आपकी दोती ना करी थी ना, पास्टर था भाई डंडूर का पास्टर, मतलब प्रार्थना कर रहा है तेरे हाँ। भाई, तेरे एक बात और बोलना चाहूँ मैं अपने, जिस तरह की मेरी शादी होने के बाद में और जो दिक्कत थी ना मेरे पीछे की तो उसके बाद है नहीं मैं ठीक कौन रही, आपके सारे के पहले लाग ले पेट थी, हाँ पहले कुंवारी का लाग रही थी ये दिक्कत अच्छा। परेशानी जो है नहीं शादी के बाद में जिस तरह की बालक हो गया हाँ। बालक होने के बाद में ये उभरी है ये बात उभरी से उसके बाद बीमार रहने लग गए और जो से ना बाद में फिर हम ही किसी शाणा कर गया उसने के बोलिया इसके पिछली दिक्कत से इसने लुगाई सीधा है इसने फलाना सीधा है तो जा किस तरह की ये दिक्कत आप बताओ तो हमें जगह जगह गया हमारे टावरों के पेट भी दिक्कत आ गई जो मेरे पेट में लड़की गुजर गई पेट में हाँ पेट में तो हमी ने नहीं छाने छेवड़ा का फिर गया हमी दिक्कत परेशानी इतनी आ गई थी हमारे बालक होने के बाद में भी फिर भी ये बोलिया गया कि तेरे पिछली दिक्कत से तेरा जाए को नहीं आ तू कड़े हांड लिए चे तेरे गेली शादी के गेली ब्याई गई है अच्छा मतलब गेरड़ा करते गेली आ गई हाँ ये तो कटे को नहीं बोलिया तो कटे नहीं गई तो फिर हम क्या करा छाने से बना के जाके मूर्ति पूजा में हमें विश्वास कराया करता तो बार बार हम मूर्ति पूजा कराया करता हमें सारे दिन भाई दीवा भी लगाता सब कुछ कराया करता इसी बात को नहीं हमने मूर्ति पूजा खूब करी जो नेम धर्म सारे अपने हाँ वो सब की मैं कराया और छाने से बना के भी जाया करता उसके बाद ये दिक्कत ही नहीं गई तो हम क्या करा हमने रास्ता फिर तो कोई ना कोई अपनाना पड़े आप अगर जे आपका कोई ये हालात आपके घर में हो तो आप क्या करोगा आपकी सांस अटक गई हो तो आप क्या सोचोगा कि कोई ऐसा भगवान मिल जाए जो मेरी सांस है या अटक रही से या मेरी सांस रुकना तो बंद हो जाए चलन लाग जाए तो ये दिक्कत परेशानी आ गई थी आप किस पर भरोसा करोगे परमेश्वर पर आपने सब कुछ तो कर ही लिया परमेश्वर पर भरोसा करके और जब हमें ठीक होया तो उसके बाद हम तो परमेश्वर ने मानांगा अच्छा ये पास्टर बता देता है यो हमने पास्टर से ना तो कदे मिलिया नहीं हाँ मैं गई थी बेटा मैं जमा दुखी जान थी मेरी रोया कर दी रोटी तो मैंने कदे खाया के कौन देखी मैं खाट में जानी नहीं तड़ा ही पड़ा वो के बोले पास्टर वो कि मैं नहीं बोले भाई प्रभु का नाम ले ले तो ठीक हो जाएगी अच्छा, जिस तरह अपने साधु संत बताया हाँ न्यू न्यू
अब फिर मामे दुखी हो रहे थे बेटा जमा हमने भाई प्रभु का नाम ले लिया, ये नहीं बोले भाई हमें को नहीं लेवा तुम्हें रखे जा। रूल राल तो बताए होंगे भाई झूठ कौन बोलनी, ये तो ले सारी बताई भाई निंदा चुगली छोड़ दियो चोरी चपोरी छोड़ दियो भाई झूठी उगाई ना दियो। मैं बोली ठीक से भाई हमें ये बात हुई थी जी मारी तो, और मैं तो जमा दुखी थी फिर ये टाबर भी रोन लग गया नहीं बोली मैं गोली खा के मरूंगी मां ठीक को नहीं आप। फिर ये नहीं बोली मैं नाम को लेवा तू तू ले रख। फिर इन पर भी दिक्कत आएगी। अच्छा शुरू में ये भाई और नाट गए थे भाई? हाँ नाट गए थे, मैं एकली एकली ने लिया था, मैं एकली गई थी डनूर ये को नहीं गई। अच्छा हाँ मेरी ज्योति ने बुलाई थी। फिर आप ठीक हो बाद में? फिर हाँ फिर इनका दिक्कत आने लग गई। अच्छा फिर इनका दिक्कत हो गई? हाँ फिर नहीं बोले भाई मेरे तेरा तो उतर गई तो मारा पड़ेगी या तो फायदा भी के है। हमें इतने दुखी थे कौन ताज को नहीं, और मैं एक तो गाँव कौन छोड़ा एक मना था हमने कितने एक तो गाँव गिना कितने सियाने बताऊँ न्यू मेरी इतनी इतनी लाश पड़ी रहती दिन रात लाश रहा कर दी मेरी मेरा कोनी क्या मत हो जी अटकर मेरा क्या मनी। हमें तो दुखी परेशानी थे भाई बेटा हमें प्रभु माए गए हमने चंगाई मिल गई कोई वो नहीं प्रार्थना करा हर प्रभु की दया है जमा। ये भी ये गांव वाले खिलाफत में खड़े हैं ताइए भाई ये धर्म बदल गया ये हिंदू को नहीं ये हमने को धर्म बदला नहीं हमारा जीवन बदला है भाई सुख शांति हो गया। गलत फहमी है हमें कोई धर्म नहीं चेंज कर हमने हमारा मन परिवर्तन कराया है जो अमीन है अमी ठीक होया प्रभु यीशु मसीह है तो अमीन है विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर का बस अमीन लिखत में भी दे दी ये बात है कि हमने धर्म चेंज नहीं करा धर्म परिवर्तन नहीं करा बार बार अमीन ये बोलांगा आखिरी सांस तक हमारा ये रहेगा हम ये बोलांगा कि धर्म परिवर्तन नहीं करा नहीं करा नहीं करा ये बोलांगा अमी। हाँ हिंदू सारे हिंदू ही रहेंगे। चलो भाई हिंदी में रहेंगे बेटा और मूर्त पूजा देख हमें सिर जुकामा कोनी चाहे मारी नाड़ तार दो चाहे हमने मार दो हाँ और खावा हाँ हमें सबकी में ब्याह शादी ना काज में भी ब्याह में भी हमें खावा हाँ। और आगे ये गांव वाला जो चावन है वो कर सका है हमने के सजा दे है कि ना दे है सजा वो इनकी मर्जी है ये गांव पे सौंपा हमी भाई ऐसा गांव नहीं है जो हमारा हमारे खिलाफ हो जाएगा हमने विश्वास हमारा गांव पर क्योंकि हमारा गांव ठीक है बिल्कुल। और जो हमने बार बार हम ये बोलांगा गांव वाला का खिलाफ हम कदे नहीं जाना चाहवा। चलो भाई बहुत सुंदर बात कही है कि हमारा गांव का बहुत बढ़िया सुथरा काम है हमारा गांव पे मतलब कि पंचायत होली दो दो तीन बार होली है लेकिन फिर भी जो भाई और ये फिर भी नूका भाई हमने हमारा गांव के ऊपर भरोसा है कि हमारा गांव जो करेगा वो ठीक करेगा उनका फैसला हमने मंजूर होगा चाहे वो कोई भी फैसला अपना जो है ना भाई पंचायत कर दो। तो ये बात इन्होंने तो भाई गांव के ऊपर छोड़ दी है कि गांव की पंचायत गांव का गांव राम हो है और उसका फैसला मान्य आया करते ये नुको भाई हमें तो उनका फैसला मानना है वह ठीक करो गलत करो उनकी इच्छा। तो जो गांव सिडान के देखने ना रहे भाई उन तो नुकूँगा ये बात आपके ऊपर है भाई अगले तो नुका हमें जो है ना भाई विश्वास सर हमने तो उनके ऊपर छोड़ दी वह अच्छा करो न्याय करो उनकी मर्जी है। सारी बात आपने सुनी है भाई की भी सुनी थी जो मेरी मातृशक्ति बैठी इनकी बात भी आपने सुनी आपकी विचारधारा कितनी चेंज हुई है ये आपकी मानो हो पहले जो भाई विपक्ष में थे या पक्ष में थे उनकी विचारधारा कितनी चेंज हुई है सारी बात आपने बतानी है भाई। वीडियो ने अच्छी लगी हो अगर बात ठीक लगी हो सच्चाई लगी हो तो लाइक कर दियो भाई और अगर नू लग गया कि भाई हाँ आप ही फैसले की तय तय जानना रहे मामले तय तय जानना रहे तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। कैमरामैन अवतार के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा की सारे बण भैया चाचे तैयार मामा फूफी ने राम राम भाई।